हाय फ्रेंड्स, वेल्कम टू जामो ब्यूटी हिल्स चैनल। आज मैं शोल्डर लेंथ हेयर में शॉर्ट हेयर कट कराने दूसरा सैलून जा रही हूँ। ये सेम हेयर कट मैं खुद भी क्लाइंट पे करती हूँ, लेकिन खुद का हेयर में करना मुश्किल होगा, इसलिए दूसरा सैलून जा रही हूँ। यहाँ पर आपको पिक्स दिखाया है, कटिंग से पहले कटिंग के बाद वाला। जिनको शॉर्ट हेयर कट चाहिए उनको आइडिया आएगा करके ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हेयर ड्रेसर सबसे पहले हेयर वॉश किया, उसके बाद फ्रंट साइड कितना लेंथ चाहिए करके पूछ रहे हैं। इधर चिन लेवल लेंथ चाहिए करके मैंने बताया था, और बैक साइड नेक लेवल में हेयर लाइन टच करके शॉर्ट करने के लिए बताया था। जैसे हम डायली कटिंग में बताते हैं, फ्रंट साइड मिडिल पार्टीशन लेके मिडिल पार्टीशन से ईयर तक, ईयर टू ईयर सेक्शन सेपरेट करेंगे। इधर फ्रंट साइड दो अलग अलग सेक्शन को सेपरेट किया, एंड बैक साइड भी कॉम करके मिडिल पार्टीशन ले रहे हैं। इधर मिडिल पार्टीशन लेने के बाद सबसे नीचे से एक पतला सेक्शन लेना है नीचे की तरफ, बाकी ऊपर के बाल अच्छा सा टाइट करके सेक्शन क्लिप लगा के रखेंगे। इस तरफ जितना बाल नीचे की तरफ लिया है सेम उतना ही बाल उस तरफ भी लेना है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं लेना है, एकदम लाइन इक्वल होना चाहिए जब हम बाल लेते हैं। अभी सबसे पहले मिडिल भाग में थोड़ा बाल लेके हेयर कट स्टार्ट कर रहे हैं। इधर यहाँ पर देख लीजिए, मैं आज बॉब हेयर कट ले रही हूँ। बॉब कट में आपको इस तरह एंगल में पकड़ के कट करना होगा, इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। यहाँ पर हेयर ड्रेसर पूरा बाल को दो फिंगर्स के बीच में होल्ड करके आगे की तरफ लाके ऊपर की तरफ बाल लंबा और नीचे की तरफ बाल छोटा रहने टाइप का एंगल में पकड़ा हुआ है। देख लीजिए, ऊपर की तरफ बाल लंबा, नीचे की तरफ बाल छोटा, इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। इस कट में मेन यही होता है, कैसे उंगली में पकड़ के उसको किस एंगल में लाके कट करना है, ये मेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़का दो उंगली के बीच में बाल को होल्ड करके वर्टिकल एंगल में लेकर आके उसके बाद कट कर रहे हैं। मिडिल में बाल कट करने के बाद साइड से थोड़ा थोड़ा बाल लेके ऑलरेडी कट किया हुआ बाल के साथ मिला के कॉम करके वर्टिकल एंगल में आगे की तरफ ला के ऑलरेडी कट किया हुआ बाल को बराबर कट कर रहे हैं। इधर इस तरफ जैसे हम मेथड फॉलो करके कट किया है वैसे ही सेम मेथड फॉलो करके उस तरफ का बाल भी कट करेंगे। यहाँ पर बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेते हुए धीरे धीरे कट करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट हेयर कट है, थोड़ा भी गलत हो गया तो फिर ठीक करने के लिए हेयर नहीं रहेगा। देख लीजिए, एक सेक्शन कट करने के बाद चेक किया इधर दोनों तरफ बराबर है कि नहीं करके, और मेरे से पूछ भी रहे कि इतना लेंथ ठीक है या नहीं करके। इसके बाद ऊपर से एक छोटा सा सेक्शन लिया है, बहुत ही पतले पतले सेक्शन हेयर ऊपर से लेना है, तभी आपको बॉब वेज कट में अच्छा वॉल्यूम आएगा। जिनको पतले बाल है उन पे भी काफ़ी वॉल्यूम दिखेगा इस तरह पतला पतला सेक्शन लेके कटिंग करने से। अभी हम सेकेंड लेयर हेयर में कट करना है। सेकेंड लेयर में भी मिडिल पोर्शन से बाल पहले लेना है, नया हेयर और नीचे से कट किया हुआ हेयर दोनों पकड़ के आगे की तरफ कॉम करते हुए वर्टिकल एंगल में बाल को दो फिंगर के बीच में पकड़ के ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर को बराबर कट करना है। इससे जस्ट बगल में थोड़ा पतला सा न्यू हेयर लेना है, न्यू हेयर और ऑलरेडी हम मिडिल में कट किया हुआ हेयर दोनों मिलाते हुए कॉम करके आगे की तरफ लाके वर्टिकल एंगल में पकड़ के ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर को बराबर कट करना है। सेम मेथड पूरा हेयर कट में, बैक साइड का पूरा हेयर कट में फॉलो करना है।
सेकेंड सेक्शन का हेयर भी पूरा हमने कट कर दिया है। इधर अभी चेक करना है सारे बाल हमने कट किया या कहीं एक आधा चोट तो नहीं गया करके रीचेक करना है। यहाँ पर हेयर ड्रेसर एक बार रीचेक कर रहा है इधर। इसके बाद चारों तरफ से हेयर बराबर है कि नहीं करके भी चेक करना है। अभी ऊपर से एक पतला सा सेक्शन और लेना है। इसी तरह छोटा छोटा पतला सेक्शन लेते हुए पूरा हेयर को, जैसे हम अभी दो सेक्शंस कट किया है वैसे ही पूरा बाल बैक तरफ का कट करना है। आगे की तरफ थोड़ा सा बाल को पीछे की तरफ लाके अच्छा सा कोम करके सबसे ऊपर का जो स्टेप कट का लेयर है उसके साथ पकड़ते हुए कट करेंगे। इस तरह भी एक पतला सेक्शन लेना है आगे की तरफ थोड़ा सा और पीछे की तरफ लाना है पूरा बाल को, और सबसे ऊपर का जो स्टेप कट में लेयर है सबसे ऊपर वाला लेयर के साथ देखते हुए गाइडलाइन उसके साथ इक्वल कट करेंगे। अभी पीछे की तरफ पूरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। ड्रायर सेट करके दिखाएंगे इतना लेंथ ठीक है या और शॉर्ट चाहिए करके। हेयर जब गीला रहता है उस समय ठीक से समझ नहीं आता, इसलिए ड्रायर सेट करके दिखाएंगे तो हमें समझ में आएगा। मैंने इधर और भी शॉर्ट चाहिए करके बताया था। नेक लेवल में थोड़ा लंबा लग रहा है, सबसे नीचे नेक से थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बताया था, इसलिए दोबारा सेक्शन ले रहे हैं। इधर सेम मेथड, मिडिल से थोड़ा बाल लेके उसको वर्टिकल एंगल में आगे की तरफ कोम करते हुए लाना है और उसको कट करना है। कितना शॉर्ट चाहिए उतना कट करना है सबसे पहले। अभी मिडिल में कट किया हुआ हेयर और साइड में न्यू हेयर दोनों पकड़ते हुए आगे की तरफ वर्टिकल एंगल में ला के ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर को बराबर देखते हुए कट किया है। सेम मेथड फॉलो करके अभी पूरा हेयर कट करेंगे इधर हेयर ड्रेसर। अभी बैक साइड पूरा दोबारा शॉर्ट किया है। अभी एक बार ड्रायर सेट करके दिखाएंगे।
इतना लेंथ टेके करके बताया था। अभी फ्रंट साइड हेयर को भी पीछे की तरफ लेकर आके कट करना है। फ्रंट साइड हेयर को पीछे की तरफ कॉम करते हुए ला रहे और सबसे ऊपर का जो लेयर है उसके साथ पकड़ के गाइडलाइन देखते हुए बराबर कट कर रहे इधर। पूरा कटिंग होने के बाद नेक लेवल में हेयर लाइन इक्वल है नहीं है करके चेक करेंगे। कहीं एक आधा बाल लंबा है तो उसको ट्रिम करना है। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हेयर कट लेने के लिए मन करता है, लेकिन हमारा फेस में सूट होगा या नहीं होगा करके डरते रहते हैं। शॉर्ट हेयर कट्स मतलब छोटे बच्चों में ही अच्छा लगता है, इस उम्र में हमको कैसे लगेगा करके डर के फिर पीछे हट जाता है। लेकिन शॉर्ट हेयर कट कराने से आपको बहुत ही एंगर लुक दिखाएगा। कम से कम 7 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक आपका एंगर लुक दिखा सकते हैं शॉर्ट हेयर कट। ऊपर से आपका फेस बड़ा हो या स्क्वायर शेप हो या राउंड शेप है तो इस तरह आगे से चिन लेंथ लेवल आप रख के शॉर्ट हेयर कट करने से आपका फेस ओवल शेप भी बन जाएगा। राउंड और स्क्वायर हट के ओवल बन जाएगा, जो ब्यूटी में सबसे अच्छा फेस का शेप ओवल शेप माना जाता है। वो वाला ओवल शेप आपको इस हेयर कट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आगे का चिन लेवल लेंथ रखेंगे तभी ये वाला आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए चिन लेवल लेंथ रखा था आगे से, पीछे से शॉर्ट किया आगे से चिन लेंथ हेयर रखा है। जब हमारा आगे का बाल चिन लेंथ में होता है हमारा फेस में वो दोनों तरफ आके गिरेगा तो पूरा साइड का फेस कवर होके मिडिल पोर्शन में जो फेस है वो ओवल शेप में ऑटोमेटिकली दिखेगा। मेरा हेयर कट पूरा कंप्लीट हो गया है। हेयर ड्रेसर मुझे बैक मिरर से हेयर कट दिखा रहे, बैक साइड कैसे लग रहे करके मैं बैक मिरर में देख रही हूँ। मुझे ठीक लगा इतना शॉर्ट। अभी दोबारा हेयर ड्रेसर ड्राई सेट करके दिखाएंगे। हेयर सेट के बाद नेक लेवल में एक लाइन दे रहे एकदम इक्वल लाइन, और एक्स्ट्रा हेयर जो है छोटे छोटे उसको भी ट्रिम करेंगे। शोल्डर लेंथ हेयर में मेरा फेस लुक और शॉर्ट हेयर कट में मेरा फेस लुक कैसे चेंज हुआ इस पिक्स में आप देख सकते हैं। जिनको भी शॉर्ट हेयर कट कराना हो उनको ये वीडियो देखने के बाद यूज़फुल होगा करके ये वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू, बाय बाय।